बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोजम्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट बर्नौली इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, इनकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या किस तरह से हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, इन सब बातों को स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह के मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स ने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, जैसे कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो किसके इक्वल आता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर वो इनहोमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस हो तो फिर उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है उसका क्या फार्मूला है और किस तरह से हम उस फार्मूले को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब टॉपिक्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज को नहीं देखा हुआ तो आप मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्ले लिस्ट में जाकर इन सब वीडियोज को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है और क्या उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इसमें से वो बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम इसमें से देखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम देखते हैं और किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टूडेंट से पावर में आए एन और एन नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 एंड 1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है बर्नौली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इधर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इधर 1 होना चाहिए, तो ये बर्नौली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसी एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई का क्यूब। तो इस तरह की स्टूडेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस तरह से पेशवार और स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी एग्जांपल में डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उनका हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसको हम स्टूडेंट सीखते हैं। तो मैं स्टूडेंट जनरली इसका जो प्रूफ होता है जो फॉर्मूला होता है जो इसका मेथड है उसको डिस्कस करूंगा, तो उसकी हेल्प से आप जो इसके क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ फिर एग्जांपल्स और फिर उसमें से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उसमें से इसके जो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका जो जनरल मेथड होता है सॉल्यूशन को सॉल्यूशन का तो उसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप 1 हमारे पास क्या आ जाता है के डिवाइड डिवाइड बाई एन डिवाइड बाय दिस ऑन बोथ साइड्स इधर आ जाएगा 1। ओके इधर हमारे पास क्या आएगा, ये ऊपर जब पावर माइनस एन ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस एन हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है सेकंड स्टेप y की पावर माइनस एन। ओके स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर वन। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये इसका जो पी एफ एक्स का जो ये वाला फंक्शन होता है ना वाई में, इसको सपोज करते हैं। स्टेप टू में हमारे पास आ जाता है, ये स्टेप टू आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास सपोज सपोज कर ले, यू कर ले, टी कर ले, जी कर ले, कोई मर्जी स्टूडेंट्स आप इधर नाम रख सकते हैं इस वेरिएबल जो आपने डिफाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं असाइनमेंट, ठीक है, असाइन करना किसी वैल्यू को। तो हम कहते हैं सपोज 1 माइनस एन इज इक्वल टू यू, फिर हम स्टूडेंट्स इस इधर हम इसको डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्या आता है इसको जब हमने डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वी गेट स्टूडेंट्स पावर पहले आ जाएगी 1 माइनस एन, पावर में से जब हम माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस दिस, और फर्दर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम अपने इक्वेशन में देखेंगे, इधर देखेंगे और इधर स्टूडेंट से देखेंगे इसको डेरिवेटिव लेने के बाद, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इधर ये चीज बन जाएगी। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू को अब इधर रखेंगे और हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये यू में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा मैं करता हूँ इधर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है कि y की माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर 1 माइनस है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस एन और इनटू आ जाएगा इधर क्या स्टूडेंट्स डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये सब स्टूडेंट्स हम वैल्यू जो है ना इसकी वैल्यू इधर जितना हमने सपोज की है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है स्टेप नंबर थ्री, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है कि इधर इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी एफ एक्स, और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यू, ठीक है, इधर से हम देख सकते हैं, और इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला क्यू एफ एक्स। अब उसमें से इसको हम फर्दर जो है ना वो सिंपल फॉर्म में जो है उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपल फॉर्म में, इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम 1 माइनस एन के साथ ये कॉन्स्टेंट है तो दोनों तरफ इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स जब हम इधर 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये इसके साथ कट जाएगा और इधर 1 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 और इस तरह जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 1 माइनस एन, और इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एन। तो ये आगे स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि विच इज लीनियर इन यू, ये जो लीनियर अब हो गया स्टूडेंट्स लीनियर और इधर हमारे पास से डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो यू है, और यू को हम देख सकते हैं कि यू की पावर 1 है, उसका जो डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या होगी ये विच इज लीनियर इन यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको अगर जब हम इधर आ जाते हैं इसका हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो प्रोसेस होता है जनरल सॉल्यूशन किस तरह हम उसमें फाइंड करते हैं उसी तरह वो वाला फार्मूला लगा कर उसमें से इधर हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो फिर हम उसमें से यू को रिप्लेस कर देंगे इस वाई की पावर 1 माइनस एन से, तो हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ओरिजिनल वेरिएबल में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन विद हेल्प ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला फाइंड किया था वो ये था स्टूडेंट्स, उनको हम देखते हैं। अगर हमारी जो अगर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन या स्टूडेंट्स अगर ये होमोजीनियस हो तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू सी ए की पावर माइनस पी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एक ये वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा फार्मूला ये था कि y को मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस जनरल कांस्टेंट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अगर ये नॉन होमोजीनियस हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अगर ये होमोजीनियस हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन सब बातों को हम अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं,
और उसमें से अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी स्पष्ट जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसमें से अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो इधर बोलने में या लिखने में तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वस्तुनस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।